मैंने पोकिंग की, जो भी कह लो, बैंड बजाई पोकिंग की, या तो फ्रस्ट्रेशन में बोला, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, बड़ा थी। पहले वो अपनी गरीबी की कहानी सुना था, उसके बाद वो म्यूज़िक वीडियो का लालच देता, उसके बाद वो जो लड़की पड़ जाती है, उसके बाद वो बोलता है कि भाई मैं तुमको भी बिग बॉस में लेके आऊँगा। इनावर ने मेरे साथ भी दोस्ती की थी, वो भी फेक थी मुनावर। और वो क्यों थी, जब मेरे साथ दोस्ती थी तो अभिषेक थोड़ा सा दूर हो गया था, दोस्त तो नहीं बन सकता भाई, इसकी तो बैंडी बजानी। यस, जब घर में गए थे तो सबसे पहला आपका थॉट क्या था? बिकॉज जहाँ तक के लगा कि आपका गेम सिर्फ ईशा के लिए और ईशा के लिए ही था और कुछ नहीं था, आप क्या कहना चाहोगे इसके? देखिए, पहले दो दिन तो मैं सबसे पहले जब शो में गया था, मैं सबसे पहले मोटिव मेरा यही था कि जो ईशा और मेरे बीच में या अभिषेक का जो भी था, वो उस चीज़ को मेरे को सॉर्ट करना था। मैंने कभी भी ईशा को ये नहीं बोला कि तू गलत है या फिर तूने मेरे को धोखा दिया, चीट किया या कुछ ऐसा किया है। उसको सेम था कि भाई तुमने एक दिन में क्यों माफ़ कर दिया। एंड उसको मेरा स्टेटमेंट भी यह था कि तू बाहर गलत दिख रही है, मैंने ऐसा नहीं बोला तू गलत है। उस चीज़ को दो दिन में मैंने सॉर्ट किया। एंड यस, मेरा फोकस गेम पे ही था। समझ, घर में जब आप गए अभिषेक के साथ दोस्ती हुई, फिर ईशा के बारे में आपने बैक बीचिंग भी किया अभिषेक के साथ मिलकर, ये गेम का पार्ट था आपके? बिल्कुल भी नहीं। ईशा के बारे में बहुत ही म्यूचुअल बातें हो रही थी, एंड ऑफ कोर्स मैं किसी से पहली बार मिलूंगा एंड कोई कॉमन चीज़ हमारे बीच में निकलेगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे, बात बिल्कुल करेंगे। और कोई झूठ बात नहीं की, जो कुछ भी मैंने बोला है आई स्टैंड बाय इट, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है वो सच बोला है। समर्थ, आपका पोकिंग का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था गेम में, तो उस पर क्या कहेंगे, लाइक उसके बाद चीजें हो गई पोकिंग हो गई पोकिंग क्या है? देखो, अब कोई भी चीज़ मेरे अंदर चुल्ली काटी थी कि मैं पोकिंग करूँ। हर चीज़ का एक बोलते ना कि कोई रीज़न होता है करने का। मैंने पोकिंग की, जो भी कह लो, बैंड बजाई पोकिंग की, या तो फ्रस्ट्रेशन में बोला, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, बड़ा थी, गुस्सा था मेरे अंदर जो भरा था। क्योंकि अभिषेक ने बाहुबली वाला टास्क हुआ था उस दिन, बहुत गंदी बात, चीप बातें बोली थी ईशा के लिए, एंड हम तीनों ने बोली थी। ऑफ कोर्स सलमान सर ने भी बोला था कि ऐसी बातें हैं जो दिखा भी नहीं सकते, तो बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अभिषेक दोस्त तो नहीं बन सकता भाई, इसकी तो बैंडी बजानी है। यस, मेरा तरीका बहुत अलग था बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज जब मैं शो में गया था पहले दो तीन हफ्ते मैं एज एन समर्थ लड़ता था, बट जब मेरे को समझ में आया कि ये कोई मतलब नहीं एज एन समर्थ लड़ना, चिंटू बहुत अच्छे से लड़ता है, क्योंकि चिंटू थोड़ा क्या शरारती है, थोड़ा सा बोलते काइंड ऑफ बोल सकते हो कि मज़े लेने टाइप्स आ जाता है, तो वो तरीका मेरे को अच्छा लगा कि भाई गला भी नहीं बैठ रहा है, भौंकना भी नहीं पड़ रहा है और मस्ती की मस्ती हो रही है, तो वो तरीके से मैं लड़ रहा था। वो चिंटू का नेक्स्ट लेवल वो गलत हो गया। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, आई एग्री, आई स्टैंड बाय इट कि मैंने गलत किया है, बट या वो सब मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। लेकिन आपने इसको हीरो बना दिया, अभिषेक को हीरो बना दिया आपने। बिल्कुल, अब वो जनता को लगा होगा कि वो हीरो है तो तभी उसको हीरो बनाया है। कोई किसी को हीरो बनाता नहीं है, उसमें क्वालिटीज होंगी तभी वो हीरो बना है। जो इंसिडेंट के बाद कहीं बना है वो हीरो, मतलब सोशल मीडिया में? देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई हीरो बन गया, अगर पहले भी वो चीज़ उसमें थी, अभी भी वो चीज़ उसमें है। अगर मैं पहले जैसा वो जैसा कि वो बोलता कि मैं ऐसा ही हूँ, तो ये चीज़ मैं खुद पे लूँगा कि अगर मैं पहले दिन जो था वो अभी भी मैं वैसे ही, मेरा नेचर तो वैसे ही, मेरे नेचर में तो कोई चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आए हैं। हाँ, कोई इंसिडेंट के बाद ऑफ कोर्स वो मेरे ही अगेंस्ट में चले गया, तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मैं गलत हूँ, वो चीज़ मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। अगर मैं नहीं बोलता तो मैं मिरर के सामने खुद को देख नहीं पाता कि तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोल दी और तू चुप बैठा। बट गर्लफ्रेंड के बारे में तो आपने भी बहुत कुछ बोला था स्टार्टिंग में। जी बिल्कुल, पहले दो दिन मैंने बोला था, मुझे अभी भी याद है, मुनावर से मैं डिस्कशन हो रही थी, मुनावर ने पूछा था कि यार ऐसा क्या, तो मैंने बोला यार झूठ बोलती है वो, 19-20 साल की लड़की है, छोटे छोटे झूठ बोलती है। एंड एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसको बताया था जो अभी नॉमिनेशन में मुनावर ने यूज़ किया था कि एक बार वो ऐसे गई थी, फिर पार्लर बोल दिया था, मेरे को लगा सो गई, वो जो नॉमिनेशन में मुनावर ने बोला। और समर जब घर से बाहर निकले तो ईशा का जो बिहेवियर था वो काफी नॉर्मल दिख रहा था, तो मुनावर और अभिषेक का एक रिएक्शन आया जहाँ पे वो बोल रही है कि उन्होंने आपस में शर्त लगाई कि आपका और उनका रिश्ता सिर्फ 2-4 महीना तक ही चलेगा बाहर आने के बाद, तो इस पे आप क्या कहोगे? तो देखिए, ये सबके ओपिनियन होते हैं। एक इंसान जो भी अपनी जिंदगी में जिस तरीके की रिलेशनशिप्स देखता है, जिस तरीके की लड़कियों को देखता है, जो भी मतलब रिश्ते थे उस तरीके के, उनको लगा कि भाई उन्होंने भी हमें देखा है तो उनको लगा कि भाई 2 महीने टिकेगा, कोई बोल रहा है 4 महीने टिकेगा, तो ओपिनियंस है, ओपिनियंस को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमको तो अच्छा बोल। बट रिश्ते की अगर बात करो तो बाहर जब यू नो ईशा के फादर से पूछा गया कि आप एज अ समर्थ एज अ दामाद कैसा देखते हो, तो उन्होंने बिल्कुल भी डिनाई कर दिया, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? और इनफैक्ट घर में जो फैमिली इंटरव्यू हुआ था आपको इतना तवज्जो भी नहीं दिया गया उनके फादर की तरफ से, वहीं अभिषेक डर डरा कर भी हाय हेलो भी किए, तो उनको खैर खैरियत भी पूछी गई, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं भी बहुत नर्वस था उनके बिहेवियर से कि यार क्यों नहीं बात कर रहे हैं,
नाराजगी दिख रही थी बिकॉज शो में उनको पता चला कि ईशा और मैं डेट कर रहा हूँ, मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ. हालांकि उनकी मदर को पता था कि हम डेट कर रहे हैं, तो वो नाराज़गी थी. एंड माँ बाप अपने बच्चे के लिए केयर करेंगे कि यार क्या होता है, मैं थप्पड़ खा के 5 मिनट बाद हंसने लग गया, अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ नॉर्मल हूँ. लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिलीज होती है, वो तो इस फील्ड में नहीं है ना, तो उनको कोई रिलेटिव बोलेगा कि अरे तुम्हारी बेटी ये कर दी, तुम्हारी बेटी वो कर दी, तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. तो वो अफेक्शन उनका दिखा मुझे चेहरे पे. बट सवाल, आपका क्या रिएक्शन होता अगर आपके मुंह पे कोई जबरदस्ती टिश्यू डालता और इतना प्रोवोक करता? क्योंकि लोगों ने एक ही तरीका देखा है कि आपका ईशा को कोई भी मुद्दा होता, आप आ जाते हो बीच में और आप प्रोवोक करते हो. मेरे, मेरा और मुद्दा अगर अभिषेक के साथ हो तो आई थिंक इंटू 2 या इंटू 4 प्रोवोक करता. इंटू 10. इंटू 10, क्योंकि मैंने बताया ना, वो फ्रस्ट्रेशन, वो हेट, वो नफ़रत मेरे दिमाग में चढ़ गई थी. क्योंकि ईशा के बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहा था, वो कुछ बातें दिखाई भी नहीं गई होंगी, आई एम श्योर. मैं जाके देखूँगा एपिसोड जब, मैंने देखे नहीं है. एंड रही बात ईशा के मुद्दों में इन्वॉल्व होने की, ईशा एक काइंड ऑफ मेरी गर्लफ्रेंड है, फैमिली है, तो कोई भी, हम डिस्कस भी कर चुके ईशा में कितनी बार कि भाई तू मेरी बातों में नहीं आया कर, तू मेरे मुद्दों में ना आया कर, मैं भी नहीं आऊँगी, वो भी नहीं, फिर भी आ जाते हैं एक दूसरे में. तो इससे दिखता है कि कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है कोई मेरे बंदे को या मेरी फ्रेंड को. ऐसे तो मैं मना रहा कि टॉपिक्स में बहुत बार आया मुनावर से लड़ने, क्यों आया? क्योंकि मेरे अगर कोई फ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और उसको कोई कुछ बोलेगा तो मैं सुन नहीं पाता. चिंटू, कहीं ना कहीं नेशनल टेलीविजन पे आप भी ईशा की डिसरिस्पेक्ट करते हुए नजर आए, कभी उन पे कॉफी फेंक रहे हैं, कभी कोई धक्का मार रहे हैं, इस बारे में क्या कहना आपका? मुझे ऐसा लगता है कि मैं, ये अच्छी बात, ये चीज़ दिखाई गई और ये चीज़ की मैंने, क्योंकि इससे पता चलता है मैं कितना रियल हूँ. मैं 24 घंटा हंसती खेलती नहीं रह सकता. अगर मैं चाहता तो मैं डिफरेंस दिखा सकता था कि देखो वो कितना एग्रेसिव है, मैं नहीं हूँ, मैं नॉर्मल रहता हूँ. लेकिन मेरे रिएक्शंस और मेरी नेचर, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा गुस्सा, या मैंने धक्का दिया या चिढ़ाऊँगा, जैसे अभिषेक आया था तो मेरे पास बार बार आ रही थी, मैं बोल रहा था कि अरे अभी मत जा, सुबह आ जाना, तो वो मेरा फ्रस्ट्रेशन था, मेरे गुस्सा थी कि भाई अभी मत करो मुझे परेशान. तो इससे पता चलता है कि मैं कितनी रियल पर्सनालिटी हूँ. हाँ, अब ऐसे तो उसने थप्पड़ मारा तो वो भी रियल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट इज़ नॉट ओके. ऑल्सो यू नो, ये जानना चाहेंगे, आपने अब जैसा कहा कि आप अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा रहे थे, भले कॉफ़ी फेंकना हो या धक्का मारना हो, बट वहीं अगर ईशा को कोई आकर कुछ भी बोल भी देता था ऊंची आवाज़ में, तो आप बर्दाश्त नहीं करते थे. वहीं आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप अगर जो भी करो वो सही. दूसरी बात यह है कि आप ये नहीं देखोगे आपकी गर्लफ्रेंड को कोई बॉडी शेम कर रहा है, राइट? आप पहले उठकर बोल देते हो वो चीज़ें. बॉडी शेम की बात करो या आवाज, ऊंची आवाज की भी मैं बात, कोई भी चीज मुझे अगर लगेगी कि ईशा के मतलब मुझे अफेक्ट हो रही है भाई ये गलत है, ऑफकोर्स कभी कभी कुछ छोटे मुद्दे होते हैं ना, उस पर हाँ ये अकेली कर सकती है. बट जब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ऑफकोर्स मैं जाऊँगा. सेम अभिषेक भी, जब मैं नहीं था 2 हफ्ते में, बहुत बार अभिषेक ने, जैसे खानजादी ने बोला था कि अगलीस्ट या कुछ करके बोला था, तो अभिषेक भी कूद पड़ा था. तो ये मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि अभिषेक की इमोशंस ईशा के लिए फेक रहे हैं, रियल रहे हैं. बट उसकी स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि भाई ठीक है, अब मैं अलग हो गया हूँ, ठीक है, समझ में आता है कि भाई दिल में कुछ और है, जमा पे कुछ और है. आई रिस्पेक्ट इज इमोशंस. ये क्वेश्चन इज रिगार्डिंग था आप और मनारा आयशा के, यू नो, बॉडी शेम कर रहे थे. हाँ. दिल वाले कमरे में बैठ जी, तो वो बात जो थी बेली डांस, वो अदरक वाली वॉक, अदरक वॉक, हाँ, तो वो अदरक डांस की बात थी. और वो बात भी की गई थी तो वीकेंड के बारे पे नहीं, वो जस्ट चिल पे की गई थी बात. अब आप सोच सकते हैं कि वो बात को किस रेफरेंस में लिया गया. जस्ट चिल बहुत ही एक फन एलिमेंट वाला शो है, और जस्ट चिल पे अगर बात हो रही है, आप समझ सकते हैं कि वो मुद्दा कितना छोटा है. मुनावर बन के, नहीं अभिषेक बन, नहीं नहीं मुनावर बन, आपने अभिषेक, आपने नाम भी अभिषेक का लिया था, क्लियर है वो, आपने अभिषेक का नाम लिया था. वो बोल रही थी कि हाँ ऐसा 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 चलेगी, दोनों किया हमने, तो पहले बेली डांस में मुनावर भी किया और अच्छा ओके समझ में आ गया, दिल वाले रूम में, हाँ, तो अभिषेक भी किया था दोनों. तो आप ये चीज, आपको लगता है कि आपने ये सही की, किसी की बॉडी शेम करके आप वही आपकी गर्लफ्रेंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाओगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. एक फन तरीके से मजाक उड़ाना या फिर मुंह पे मजाक उड़ाना या फिर आप, हाँ, तो वही मुंह पे मजाक उड़ाना वो बहुत गलत ही था कि तू अदरक कैसी दिखती ये वो है. अगर हम किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि ऐसे, तो खानजादी ने भी क्या नाम है, ऐश्वर्या के लिए बोला था कि तू ऊपर आ जा बात करने मुझसे, तो तेरी हाइट बहुत छोटी, तो वो हाइट का भी बॉडी शेम होता है. लेकिन डिफरेंस होता है कि आप किसी मुँह पर बेइज्जती कर रहे हैं या एक फन तरीके से बात कर रहे हैं. आपने नेशनल टेलीविजन में भी काफी किसिंग सीन आपके वायरल हुए, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? आपको नहीं लगता नेशनल टेलीविजन में आपको ये थोड़ा थप्पड़ मारना नहीं रोके तो किसिंग, क्या किसिंग तो बहुत छोटी चीज़ है, और मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को पप्पी दे रहा, तो उसमें क्या गलत है? और रूल्स में भी ऐसा लिखा नहीं कि आप पप्पी नहीं कर सकते, नेशनल टेलीविजन है, इसलिए हाँ, अगर ऐसी कोई चीज़ आपत्ति वाली होती तो नेशनल टेलीविजन पर दिखाई नहीं जाती. वो होता है ना ऐसा,
ऐसे एडल्ट सीन इंटीमेट सीन्स सीरियल्स में कहाँ दिखाते हैं, टीवी पे कहाँ दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। जो चीज अलाउड थी उन्होंने दिखाई, उसमें कुछ गलत नहीं है। और उसे समर्थ ये जानना चाहेंगे आप मनोवर की अपब्रिंगिंग तो नहीं, लाइफस्टाइल को लेकर यू नो मजाक बनाना। बिल्कुल, एज एन आर्टिस्ट वो मुझे बहुत पसंद है। आप भले ही यू नो, मैं मेरा सवाल ये है, आप भले ही गरीबी से ऊंचे नहीं आए होंगे, लेकिन किसी की गरीबी का भी मजाक बनाना ये भी तो फेयर नहीं। गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया मैंने, उसका लड़कियों को पटाने का तरीके पे मजाक उड़ाया मैंने, कि वो पहले वाला कि मैं बाल्टी में खड़े थे वो वाली ना, हाँ तो मैं बता रहा हूँ, वो उसका तरीका था लड़कियों को पटाने का, जिसपे सर ने भी बोला था कि भाई पहले वो अपनी गरीबी की कहानी सुनाता है, उसके बाद वो म्यूजिक वीडियो का लालच देता है, उसके बाद वो जो लड़की पड़ जाती है, उसके बाद वो बोलता है कि भाई मैं तुमको भी बिग बॉस में लेके आऊँगा। ऐसा मुनावर ने एक्सेप्ट भी किया है शो के, मुझे नहीं पता दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन किया है। गाइस लास्ट क्वेश्चन, अरे अभी तो चालू है। नहीं, मुनावर की बात करें तो हम लोग, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक्सपोज हुआ है मुनावर, तो आपको लगता है कि वो जीत पाएगा? बिल्कुल भी, अब जीतना जीतना तो मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन मेरे हिसाब से जो वो एक्सपोज हुआ है उसके बाद ही मेरी हेट उसके लिए बड़ी यार। वो जो ईशा को करण सर ब्लेम कर रहे थे, वो एक्चुअल में मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, बिकॉज मैंने ही सबको बोला था कि भाई ये बात सबके सामने होनी चाहिए, ज़रूरी है, बिकॉज मैं नहीं चाहता, अकॉर्डिंग टू मी, आप कोई भी हो, मैं हूँ या कोई बच्चा है या यंगस्टर है, कोई भी 1% भी बंदा उससे प्रेरित हो कि भाई ये सब करके भी मैं करोड़ों जनता बिग बॉस देख रही है और वहाँ पे प्लेटफॉर्म में मैं खड़ा हूँ, तो मैं नहीं चाहता उससे कोई प्रेरित हो। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो, अभी आपका बैड टाइम चल रहा है, आपका बैड फेज चल रहा है, 12 के रिकवर कीजिए, फिर से खड़े होइए, तो आपको बिल्कुल ताली बजाऊंगा मैं। यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि बिग बॉस काफी गलत है, क्योंकि नेशनल टेलीविजन में इस तरह का जो बाहर की बातें यहाँ पर दिखाई दिया गया, पर्सनल चीजें, अभिषेक ईशा मेरे बारे में या फिर मुनावर, मुनावर के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनके मल्टीपल रिलेशनशिप बाहर आए, बाहर भी उनके कुछ छुपता नहीं है, वो बोलते ना, मेरे को भी बात बोली गई थी उनकी टीम ने कि भाई हमारे पास तुम्हारी पूरी कुंडली है, तो सब कुछ रहता नहीं, कुछ छुपता नहीं आज के इस दुनिया में, सोशल मीडिया है, सब फोन वोन है, दोस्त वगैरह हैं सब, ये इंडस्ट्री में कुछ छुपता नहीं है, तो वो चीज़ सामने आनी ही थी, कब तक छुपती, और मेरे को नहीं पता, वो नाजिला वाले वीडियोज़ भी अभी वो डाल दी, मैंने अब तक देखे नहीं है, मैं वो भी देखूंगा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो चीज़ सामने आनी थी वो आई है, बिल्कुल आई है। ऐसे तो वो लोग ऐसे भी कंपेयर करते कि तुम्हारा आयशा का जो एंट्री का रीज़न था वो सेम था, मैं डिफरेंस ऐसे बोलता हूँ कि भाई मैंने 2 दिन में सॉर्ट कर लिया, मेरा बिल्कुल क्लियर था कि ये दिक्कत है, सॉर्ट हुई, अब गेम। उन्होंने इतना स्ट्रेस कर दिया वो 15-20 दिन कि भाई ये भी चले जा रहा है, एक एक दिन बातें खुली जा रही हैं, जैसे नॉमिनेट हुई उसके बाद ये बोली जा रही है कि अब तुमने रिश्ता भेजा था, एक दिन पहले दिन ही क्यों नहीं बोलती तुमने? यस, लेकिन वो आयशा की तरफ से ज़्यादा चीज़ें खुल रही है। हाँ, मुनावर की तरफ से, मुनावर की तरफ से तब खुली वो, उसके मुनावर ने डिफेंस में खुली वो बातें, करेक्ट, एंड नॉट फॉर आयशा बट फॉर नाजिला। ओके, आपने अंजलि के साथ भी काम किया है, तो क्या अंजलि भी डेट कर रही थी मुनावर को, किस तरह की खबरें भी आ रही थी ये सब के बारे में? बिल्कुल, थर्ड लड़की थी इस तरह के, वो गए थे इस तरह की जो बात नहीं, थर्ड लड़की जिसको रिश्ता भेजा, आई थिंक वो कोई और है, मेरे को नाम नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन कोई और, अंजलि के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, अंजलि का डेटिंग का मुझे बिल्कुल पता नहीं है, हमने पहले काम किया था, मिले बहुत पहले, लेकिन समझ ये भी जानना चाहेंगे आप मुनावर के, ये जो भी आयशा के आने के बाद जो भी खुलासे हुए, उससे पहले आप बहुत अच्छे थे मुनावर के साथ, बिल्कुल, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा था कि आपको सिर्फ एक मुद्दा चाहिए था कि मुनावर के अगेंस्ट जाने का या मुनावर के लिए बोलने का। जो इंसान मेरी नजरों में मुझे गलत दिखता है, हुआ क्या ना, जो मुनावर ने मेरे साथ भी दोस्ती की थी वो भी फेक थी, मुनावर, और वो क्यों थी, जब मेरे साथ दोस्ती थी तो अभिषेक थोड़ा सा दूर हो गया था, जब मुझे दिक्कत तब हुई जब ईशा को फीडबैक मिला कि यार आप स्ट्रांगेस्ट इंडिविजुअल हो, उसके बाद वो ईशा को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगा, दिखने लगा कि भाई ये फीडबैक पे चलता है, वो पैटर्न उसका तब से मुझे पता चलने लगा कि भाई तू फीडबैक पे चलता है, तेरे को तेरे मुद्दों की क्लैरिटी भी तेरे को तब होती है जब तेरे को फीडबैक मिलता है, आयशा से एग्जिट लेने का भी तेरे को फीडबैक पे दिखता है, तो मेरे को वो दिक्कत होने लग गई थी। एंड सेकंड चीज़, मनारा मेरी दोस्त बन गई थी, तो सेम ईशा के लिए जैसे मैं डिफेंड करता था, मैं मनारा के लिए भी करने लग गया, क्योंकि मैं वैसा हूँ, पॉजिटिव हूँ फ्रेंडशिप भी और रिलेशनशिप में भी। लोगों की बातों पर नहीं जाता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, प्यार करता हूँ मैं, और जिससे आप प्यार करते हो उसी को माफ करते हो, अगर मतलब प्यार में माफियाँ होती हैं, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं होती, जब मुझे लगेगा मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है। आपने ये बोला था कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ ईशा को, आपने बोला है जब आप उस दिन हो रहा था, हाँ, आप कई बार आप ये बोलेंगे मैं तो उससे इरिटेट हो रहा हूँ, उससे दूर हो जा,
बाहर आने के बाद क्या? इसको मैं थोड़ा फन में देना चाहूँगा कि मेरी थोड़ी बॉडी अलग है, मतलब मेरे को चुने काटते, मेरे को रिएक्शन में कुछ बिजली होती रहती है, तो मेरे को ना इरिटेशन भी होती है कुछ टाइम, ऐसा आ जाता है कि भाई कोई टच भी मत करो मेरे को, थोड़ा सेंसिटिव हूँ मैं। स्कूल कॉलेज वगैरह में भी लड़कियाँ ज़्यादा पास बन, इसलिए गर्लफ्रेंड बनती नहीं थी मेरी इजीली, कि अरे क्या हिलता रहता है। तो फिर मेरे को कभी मैंने बोला कि भाई हाँ नहीं है भाई, अभी थोड़ा इरिटेशन हो रही है, मेरे को दूर रहो, तो वो बार बार आ रही थी। अच्छा हम घर में साथ में, हमको एक दूसरे को जानने का मौका मिला। आपने काफी एंटरटेनमेंट भी किया घर के अंदर, वरुण धवन ने आपका वीडियो ट्वीट किया आपके डांस को लेके, क्या कहना चाहेंगे? वरुण सर ने ट्वीट किया, मैं अभी मिलूंगा उनसे, बात करूंगा और उनको थैंक यू बोलूंगा कि थैंक यू सो मच सर, मेरे साथ अगर डांस कर ले तो मजा ही आ जाएगा। अभिषेक अगर इनके शो जीत जाते हैं, जो उन्होंने किया वो बाहर गए फिर रिटर्न आए, अगर जीत जाते तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अच्छा। और ऑडियंस को अगर कुछ मैसेज देना चाहोगे? जो लायक है वही जीतेगा, एंड ऑडियंस को तो मैं ये बोलना, मैं तो चाहूंगा ईशा जीते, इफ नॉट ईशा देन मेरी सेकंड प्रायोरिटी है अंकिता जी, बिकॉज दोनों की जर्नी बहुत खास रही है, जिस तरीके की अंकिता जी की प्रोफाइल है, कम से कम उन्होंने उतना तो दिखाया है, एंड अभिषेक का ठीक है, बट मैं चाहता हूँ ईशा और अंकिता जी में से कोई जीते। टॉप 3 में आप किसे देखते? ईशा अंकिता मनारा। ओके थैंक यू।